चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, हैंडल करते हैं। तो क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए कि टैन इनवर्स है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा एक एंगल हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बशर्ते वो एंगल क्या होना चाहिए, उनके प्रिंसिपल ब्रांच से होना चाहिए, तभी उनको हम प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्वेश्चन देख के एक प्रॉब्लम होनी चाहिए कि इस माइनस का हम क्या करें, है ना। ये माइनस का आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए या जानना चाहिए। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि टैन इनवर्स जो एक्स होता है इसका ग्राफ अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑड फंक्शन है। और जब भी ऑड फंक्शन, कोई भी फंक्शन ऑड होता है तो एफ ऑफ माइनस एक्स को हम माइनस एफ एक्स लिख लेते हैं, मतलब ये माइनस बाहर चला जाएगा। यह आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब जैसा हमने बताया वो लॉजिकली याद रखना हो गया, ज़्यादा सुपीरियर होता है कोई चीज़ याद करने के लिए, कोई ना कोई आपके पास लॉजिक होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। अच्छा, जो भी फॉर्मूला आप लगाया करिए वो बगल में लिख दिया करिए, मेंशन कर दिया करिए। इसके दो फायदे हैं, आपका टीचर पहले तो वो मार्क्स काटने के लिए जगह नहीं मिलेगी आपके टीचर को, दूसरा आपका क्या हो गया कि आप जितनी बार फॉर्मूला लिखते हो आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं होती है ना, याद होता चला जाता है। खैर, तो यहाँ पर ये माइनस बाहर आ जाएगा, दैट इज़ माइनस टेन इनवर्स रूट थ्री। अब अगला काम हो गया कि जो ये रूट थ्री है ये टैन के किस एंगल की वैल्यू होती है ना। तो टैन, जैसा कि हम लोग जानते हैं क्लास टेंथ में, ये टैन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, लेकिन डिग्री तो हमें चाहिए नहीं, रेडियन चाहिए। तो इस 60 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 3 लिख सकते हैं, है ना। तो जो भी आपका रूट थ्री है इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा टैन पाई बाई 3 से। तो हम रूट थ्री को रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप आपकी हो गई टैन इनवर्स ऑफ टैन पाई बाई 3 हो गया। अब हम लोग जानते हैं जैसा, अच्छा ये रीजन दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ा आप गैप मेंटेन कर लीजिएगा कॉपी में ताकि सेपरेशन दिखे, ऐसा ना लगे कि ये कंटिन्यूशन में है। हम यहाँ पे वर्टिकल लाइन डाल देते हैं, आप मत डालिएगा, स्पेस मेंटेन कर लीजिएगा। खैर, तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा क्या होता है, थीटा होता है, या एक्स लिख लीजिए ना, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स एक्स होता है, बशर्ते एक्स क्या होना चाहिए, इसके प्रिंसिपल ब्रांच से होना चाहिए, या यूं कहें कि वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो पाई बाई थ्री आ रहा है, इस माइनस को छोड़ दीजिए, जो आपका ये पाई बाई थ्री आ रहा है, ये पाई बाई थ्री क्या है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में है, इसलिए हम इसे टेन इनवर्स ऑफ टेन पाई बाई थ्री लिख सकते हैं। अब ये माइनस भी एसोसिएट हो जाएगा इसके साथ, तो दैट इज़ योर फाइनल आंसर, है ना। चलिए वेरीफाई कर लेते हैं, है ना। अब वेरिफिकेशन आपको दिखाना नहीं पड़ेगा, ये आपकी तसल्ली के लिए कि जो हमने निकाला है वो करेक्ट है ना। तो वेरिफिकेशन के लिए आप देखिए, ग्राफ आपको थोड़ा याद होना चाहिए, जो आपका टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है वो ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है, और ये दोनों लाइन एसिम्प्टोट होती है ना, जिनको टच करने की कोशिश करता है लेकिन कभी टच नहीं कर पाता है, ऐसे टेंजेंट को ही हम लोग एसिम्प्टोट कहते हैं। खैर, तो ये देखिए माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है ना, ओपन इंटरवल, क्योंकि पाई बाई टू इंक्लूडेड नहीं है ना, तो माइनस पाई बाई टू इंक्लूडेड है। ये वाई इक्वल टू आपका टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, अगर आप देखना चाहें बुक में भी तो देख सकते हैं, ठीक है। ये एक्स हो गया, अब ये एंगल आपका जो आया है माइनस पाई बाई थ्री है ना, माइनस पाई बाई थ्री कुछ निगेटिव एंगल है, मतलब माइनस 60 डिग्री है, और ये माइनस 90 डिग्री है, माइनस 60 डिग्री का यहाँ होगा, तो दैट इज़ माइनस पाई बाई थ्री है आपका, है ना। इसका मतलब ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू है ना, दैट इज़ द दैट लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, दैट मीन दैट इज़ अ करेक्ट आंसर।